கண்டிப்பா மொபைல் அடையில பார்க்குறது. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. आज हम आपको बताने वाले हैं हर्बालाइफ का शेक कैसे मिक्स किया जाता है, जो कि ये वेट लॉस करने के लिए काम में आता है. ये दो ड्रिंक जो है ये वेट लॉस के हैं, और ये हम लोग चाय को बंद करके, ये एक अफ्रेश नाम का एक प्रोडक्ट है, इसको हम ले सकते हैं. और इसको हमको लेना है दिन में 4 से 5 बार. और ये जो हमको लेना है, ये हमको शेक से 15 मिनट पहले लेना है. और दिन में आप जैसे खाना खाने के पहले जो ले सकते हैं आप, उसको आधा एक घंटा पहले, उसके बाद में शाम में ले सकते हैं, एक रात में ले सकते हैं, ऐसे दिन में आप 5 बार ले सकते हैं इसको. और अब इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले तो इसका कैप ओपन कर देते हैं. इस तरीके से हमको 2 चम्मच लेने हैं. एक गर्म पानी है हमारे पास में, एक गिलास गर्म पानी में इस तरीके से 2 चम्मच हमको मिक्स करने हैं. ओके, ये देखिए हमने 2 चम्मच इसमें डाल दिए, और इसको हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे. इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में और हम इसको सर्व कर सकते हैं. ठीक है, ये इसको हमको लेना है 15 मिनट पहले, ड्रिंक के 15 मिनट पहले. ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला नंबर 1 और प्रोटीन को कैसे बनाएं हम लोग. सबसे पहले तो हम लोग को इसका बॉक्स ओपन करना है, और हमको जो इसको कट करना है वो इस तरीके से कट करना है, हाफ पोर्शन कट करना है. हाफ पोर्शन इसीलिए कट करना है क्योंकि हम लोग को जो ये जो स्पून है, ये बड़ा वाला स्पून, ये हमको 3 स्पून फ्लैट लेना है. ये हमको 3 स्पून फ्लैट लेना है. ये देखिए इस तरीके से ये इसको हमने भरा, और ये इस तरीके से हम लोग ने इसको फ्लैट किया. ठीक है, ये इस तरीके से 3 स्पून हम लोग पॉट में डालेंगे. 1, 2 और ये 3, ये 3 स्पून हमने इसमें डाल दीजिए. ये है फॉर्मूला नंबर 1, न्यूट्रिशनल शेक मिक्स चॉकलेट फ्लेवर. इसमें आपको मैंगो, वेनिला, ये 3 फ्लेवर टोटल मिलेंगे आपको. इसके साथ में हम लोग हर्बालाइफ का पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर डालना है हमको, और ये हमको डालने हैं ठीक उसी तरीके से फ्लैट चम्मच, लेकिन 2 शेक के 3 और प्रोटीन के 2. ये 1 और एक ये 2. ठीक है, उसके बाद में हमको डालना है इसमें तकरीबन 1.25 ग्लास पानी डालना है. ये 1 ग्लास हमने भर के रखा है पहले से, ये 1 ग्लास हमने डाल दिया. और ये बाकी का 1.25 ग्लास पूरा हो गया अभी. और इसको हमको कैप लगा के नॉर्मल मिक्सर पे हमको 30 से 40 सेकंड तक इसको मिक्स करना है. ठीक है, और इसका आपको थिकनेस पता चल जाएगा, आपने जब भी मिक्स करोगे ना आपको इसका थिकनेस पता चल जाएगा, तो थिकनेस के हिसाब से आप इसको तय कर सकते हैं कि अभी ओके हो गया है करके. ये देखिए, ये अभी 30 से 40 सेकंड हमने इसको शेक कर लिया है मिक्सर में, और अभी आप देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, और एक उसका थिकनेस भी आ गया है तकरीब. और अब आप इसको
गया आपका शेक तैयार। तकरीबन 3 ग्लास के आसपास बनता है जब हम लोग इसको बनाते हैं शेक करने के बाद में, और ये आपको पीना है। और ध्यान रहे आपको चाय, और चाय बंद करना है, मीठा बंद करना है, चावल बंद करना है, और जितना हो सके आपको ऑयली वगैरह फूड कम कीजिए, जंक फूड कम कीजिए। थैंक यू वेरी मच।